हाय दोस्तों, हमारे चैनल की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस घंटे के बटन को भी दबाना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पेटीएम का एक नया प्रोमो कोड लेके आया हूँ, जिससे अगर आप 30 रुपीज़ का रिचार्ज करते हो तो आपको 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। मतलब कि 100% कैशबैक, और मैक्सिमम आपको 30 रुपीज़ का कैशबैक ही मिलेगा। तो ये प्रोमो कोड जो है वो काफ़ी पुराना प्रोमो कोड है, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो, बट अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो ये वीडियो में आपको पता चले जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी पेटीएम के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे कूपन कोड्स के रिलेटेड। तो वो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पहले आप देख लेना, क्योंकि उसमें जो है 50 पे आपको 50 का कैशबैक इजीली मिल जाएगा। तो प्लीज़ वो भी वीडियो एक बार चेक कर लेना। तो और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी ये कोड के बारे में। तो हो सकता है कि ये कोड जो है वो आपके पर्टिकुलर अकाउंट पे अप्लाई ना हो, कुछ एरर दे दे, तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो जो है वो पूरा देखना, तो आपके सारे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे रिचार्ज करना है करके और प्रोमो कोड का बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको टोटल अमाउंट में डालना है 30 रुपीज़, 30 या 30 से ज़्यादा डालना, मिनिमम अमाउंट जो है 30 है। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, और हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोमो कोड एंटर करना है। जो प्रोमो कोड आपको एंटर करना है वो है 30 30 करके, सेम प्रोमो कोड आपको एंटर करना है। अगर यहाँ पे लिस्ट में आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर प्रोमो कोड यहाँ पे दिया नहीं है उन लोगों ने। तो एंटर करने के बाद जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, सक्सेस पेटीएम वॉलेट लॉयल्टी कैशबैक ऑफ ₹30 विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट विद इन 24 आवर्स। तो अगर मैं यहाँ से प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके 30 रुपीज़ का रिचार्ज मेरा कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। बट मुझे अभी ये जो पर्टिकुलर नंबर है उसके ऊपर रिचार्ज नहीं करना है, तो मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। तो अगर सपोज आपके इसमें ऐसा मैसेज दिखाई देता है तो गारंटेड आपको 24 आवर्स में 30 रुपीज़ का कैशबैक आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही था प्रोमो कोड। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसके बारे में, मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोमो कोड है सब यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ यूज़र्स के लिए ही अवेलेबल है। मेरे टोटल पेटीएम के 4 अकाउंट है, उसमें से खाली 2 अकाउंट पे ही ये प्रोमो कोड अप्लाई हुआ और 2 पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने एक पे अप्लाई किया था 30 30 कोड, तो ऐसा एरर उसने शो किया, दिस प्रोमो कोड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यूअर अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है जिसपे मैंने ये अभी अप्लाई किया और एरर आया, वो मेरा मेन अकाउंट है पेटीएम का, जिसमें मैंने मेरा KYC कंप्लीट है, मेरा बैंक अकाउंट और बैंक में बैलेंस भी है, फिर भी ये प्रोमो कोड जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे एरर शो किया इसने। और अभी मैंने आपके सामने एक अकाउंट पे अप्लाई करके आपको दिखाया, उसके पासबुक में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका KYC, इवन KYC भी कंप्लीट नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है, जस्ट पेटीएम का अकाउंट है, उसमें KYC नहीं है, बैंक का अकाउंट कुछ भी नहीं है, फिर भी इस पर अप्लाई हुआ सक्सेसफुली और रिचार्ज करूंगा तो कैशबैक यहाँ से मिल जाएगा। तो और एक अकाउंट था उसमें भी KYC कंप्लीट नहीं था, उसमें मैंने रिचार्ज किया, उसमें 30 रुपीज़ आ गए और कैशबैक भी आ गई है। तो इस वीडियो के एंड में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और एक चीज़ थी, तो मैंने कुछ बेसिक इसके टर्म्स एंड कंडीशंस निकाले थे नेट से, एक वेबसाइट से। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज़ नोट दिस प्रोमो कोड इज़ वैलिड फॉर ओल्ड यूजर्स बट दे हैव टू यूज़ न्यू नंबर फॉर रिचार्ज करके दिखाया है। इसका मतलब यही है कि ये जो प्रोमो कोड है वो पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है, और उनकी उन्होंने उसी नंबर पर रिचार्ज करना चाहिए जिस नंबर कभी भी पेटीएम पे यूज़ नहीं किया है, पेटीएम से उस पर कभी भी रिचार्ज नहीं किया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मेरे मेन नंबर पर जब जो मैंने अभी आपको नंबर एक दिखाया, मतलब जहाँ पे कोड अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक अकाउंट से मैंने रिचार्ज किया तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। मैंने लगभग 100 बार उस पर, वो जो मेरा मेन पेटीएम का अकाउंट का नंबर है उसके ऊपर 100 बार रिचार्ज किया होगा, फिर भी ये प्रोमो कोड उस पर अप्लाई हो गया। तो कुछ मैं बता नहीं सकता इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में और डिटेल में, क्योंकि किसी को भी अप्लाई हो रहा है और किसी को भी नहीं हो रहा है। तो जस्ट आप एक बार उसे आपके अकाउंट में अप्लाई करके देख लीजिए, अगर सक्सेसफुल हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, अगर नहीं हुआ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बस यही था वीडियो, वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसके बारे में, मुझे 30 रुपीज़ का कैशबैक आया था वो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही था वो मेरा सेकंड वाला अकाउंट जिसमें मैंने प्रोमो कोड अप्लाई किया और रिचार्ज किया था और सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी अकाउंट KYC नहीं हुआ इसका, गेट यूर KYC डन करके लिख के आया, तो मैं यहाँ पे प्रीपेड वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी वॉलेट बैलेंस 30 रुपीज़ का कैशबैक ऐड हुआ है मेरे इसमें, यहाँ पे भी नीचे देख सकते हो मैंने 30 रुपीज़ पे किया था, -30 हो गया था यहाँ पे जिसका मैंने 30 का रिचार्ज किया, और कैशबैक रिसीव 30 करके आ गया है।
यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो प्रोमो कोड मैंने 3030 अप्लाई किया था, सेम मैंने आपको जिस वीडियो में बताया, और 30 रुपये का कैशबैक मेरे वॉलेट में सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया था 4:34 में।